हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम राजपूत और आप देख रहे हैं बोली रिएक्ट्स। आज की वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं एक मूवी के ट्रेलर के ऊपर, जो है सिकारा मूवी का ट्रेलर। उसका हम रिएक्शन करेंगे, देखेंगे इस ट्रेलर को कि कैसी होगी ये मूवी। वैसे ये रियल स्टोरी पर बनी हुई मूवी भी है, रियल इवेंट्स पर बनी हुई मूवी है। 1990 को एक केस हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में, उनके ऊपर बहुत ही मतलब भयानक एक वो हुआ था इवेंट्स, उसी के ऊपर बनी हुई ये मूवी है, रियल बेस्ड है। तो देखेंगे इसके ट्रेलर को, बाद में करेंगे बातें कि क्या है ये। तो उस ट्रेलर स्टार्ट करने से पहले, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं विधु विनोद चोपड़ा। तो देखते हैं इस ट्रेलर को, बाद में करेंगे इसके में बातें। बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। कुछ ना होने का दुख जरा सा लगे, तेरे होने से घर बड़ा सा लगे। किसका घर चल रहा है? कौन है? कश्मीर घाटी में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 19 जनवरी की रात को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जिनमें से कुछ मिलिटेंट्स ने कई कश्मीरी पंडितों के घरों को आग लगा दी। पूरे श्रीनगर में हिट लिस्ट लग गई है। लिखा है कि एक महीने में कश्मीर से चले जाओ वरना गोली मार देंगे। हम यहाँ इलेक्शन नहीं, सिर्फ जंग जीत सकते हैं। हजारों पंडितों को घर से बेघर कर दिया गया, देखना पार्लियामेंट में कितना शोर मचेगा। वहाँ कश्मीर में इतना प्यारा घर है हमारा। ये गर्मी ना कश्मीर में दिखानी थी, वहाँ से तो भाग के आ गए आप लोग। शरणार्थी भाई बहनों को टमाटर भेंट किए जाएंगे। आपके अपने यहीं पे दिल लगाएंगे, यहीं मरेंगे और यहीं के पानी में हमारी राख भाई जाएगी। Untold story of Kashmiri Pandit, film of Minor Vision, 7th Feb। तो ये जो मूवी आएगी 7 फेब को आएगी, और अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीरी पंडित, जो मतलब आधे लोगों को पता भी नहीं है जो कश्मीरी पंडितों के पास साथ, मतलब उनके ऊपर जो बीती थी, कितनी मुश्किलें कितनी प्रॉब्लम्स उनके साथ आई थी, कैसे वहाँ से उनके घरों को जला दिया गया था, कैसे उन लोगों को मतलब वहाँ से निकाल दिया गया था, कितने डरे हुए वो लोग थे, कितनी मुश्किलें के सामने मतलब कितनी मुश्किलें उनके सामने आई थी, कितनी परेशानी का अपना घर को ऐसे छोड़ के जाना, सब कुछ छोड़ के जाना, अपनी पहचान तक, जैसा इस ट्रेलर में भी दिखाया गया, उनको छोड़नी पड़ी थी, अपनी पहचान छुपानी पड़ी थी, क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थे, मतलब हिंदू थे। तो वो है कि अपनी पहचान सिर्फ उनकी, इसीलिए उनको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। तो उसी के ऊपर स्टोरी बनी हुई है ये, और ट्रेलर बहुत ही मस्त लगा मुझे तो, क्योंकि जो मुझे लगता है पूरी रियलिटी इसमें दिखाई जाएगी, पूरी तो किसी भी मूवी में नहीं दिखाई जाती, लेकिन काफ़ी हद तक दिखाई जाएगी जितनी उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। और ऐसी मूवीज़ आना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि उनके ऊपर क्या बीती थी, कितनी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। तो वही चीज़ है कि मुझे ट्रेलर बहुत मस्त लगा, और मैं चाहती हूँ कि ऐसी मूवी हर किसी को देखनी चाहिए, हर ज़रूरी, क्योंकि ये जो फाइटिंग ये वो ऐसी मूवीज़ तो हर कोई देखता है, लेकिन ऐसी मूवीज़ को लोग कम इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन हर बंदे को ऐसी मूवी देखनी चाहिए जिससे उनको पता चले कि क्या फीलिंग होगी, कैसा होगा, क्योंकि जिस टाइम
वो सीन्स दिखाए जा रहे थे, मतलब मेरे हाथ पैर ऐसे हो रहे थे बहुत ही ज्यादा. सच में हम लोग सिर्फ मूवी देख के ऐसा फील कर रहे हैं, उन पे क्या बीती होगी उस टाइम वो शायद हम समझ भी नहीं सकते. तो वही चीज है, उनकी स्टोरी को दिखाया गया है. तो आई होप आप लोगों को ये, मतलब जहां तक मुझे लगता है, मैं तो ये फर्स्ट सच में मूवी देखने वाली हूँ, क्योंकि जरूर देखनी चाहिए ऐसी मूवीज हमें. पर्सनली मुझे ट्रेलर बहुत ज्यादा पसंद आया है, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने उस चीज़ को दिखाया, उनके दर्द को दिखाया, उनकी प्रॉब्लम्स को दिखाया है ट्रेलर में. आई थिंक मूवी में भी रियलिटी, मतलब बहुत कुछ दिखाया जाएगा, पूरा तो नहीं दिखाया जाएगा लेकिन काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा. तो आई होप आप लोगों को भी ट्रेलर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा. तो अगर कमेंट करके बताइए आपको इसके बारे में क्या कहना है, ट्रेलर के बारे में क्या कहना है, इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है, आपको कितना इंतज़ार है इस मूवी का, कमेंट कीजिए मुझे बताइए. और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ. सी यू, टेक केयर, बाय बाय.